हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम और पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं इस सीरीज में कलेक्ट कर चुका हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। क्वेश्चन से शक्ति या सामर्थ्य राशि, ऑप्शन ए अदिश, ऑप्शन बी प्रदेश, ऑप्शन सी सदिश एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अदिश, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ऑप्शन ऊर्जा, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी विस्थापन एंड ऑप्शन डी बल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है, ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी दूरी एंड ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल, ठीक है, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है, ऑप्शन ए पाउंड, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी ग्राम एंड ऑप्शन डी केजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डाइन, ये द्रव्यमान की इकाई नहीं, बाकी सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फेराड किसका मात्रक है, ऑप्शन ए चालकत्व, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी प्रेरक एंड ऑप्शन ए धारिता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारिता, ठीक है, फेराडे जो होते हैं धारिता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूरक मात्रक का उदाहरण है, ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी घनकोण एंड ऑप्शन डी दाब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घनकोण, ये पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से ताप की इकाई है, ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी फारेनहाइट एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है, ताप की इकाई जो होती है सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट तीनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है, ऑप्शन ए लघु समय अंतराल का, ऑप्शन बी द्रव्यमान का, ऑप्शन सी कार्य का एंड ऑप्शन डी दूरी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से न्यूटन पर केजी मात्रक होते हैं, ऑप्शन ए वेग का, ऑप्शन बी गुरुत्वीय विभव का, ऑप्शन सी बल का एंड ऑप्शन डी त्वरण का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी त्वरण, ठीक है। कैसे मैं बता रहा हूँ, न्यूटन पर केजी, न्यूटन मीन्स होता है फोर्स, ठीक है, पर केजी मीन्स होता है मास, ओके, और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, मतलब एम ए और बाय एम, एम एम कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या ए, जो होता है त्वरण, ठीक है। तो इसी को बात किया जा रहा है कि न्यूटन पर केजी किसका मात्रक होता है, त्वरण का। ऐसे छोटे छोटे एक्सप्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी फर्मीमीटर, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम एंड ऑप्शन डी नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फर्मीमीटर, ये सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए रेटिना के पीछे, ऑप्शन बी रेटिना पर, ऑप्शन सी रेटिना के आगे एंड ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेटिना के पीछे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण एंड ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से आयरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं, ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी रक्तक पटल, ऑप्शन सी रेटिना एंड ऑप्शन डी दृढ़ पटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पुतली, ठीक है, आयरिस के जो मध्य एक छिद होती है उसको पुतली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब, ऑप्शन ए उल्टा होता है और उल्टा ही दिखाई देता है, ऑप्शन बी सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, ऑप्शन सी उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है एंड ऑप्शन डी सीधा होता है और सीधा ही दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेत्र लेंस होता है, ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी उत्तल व अवतल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिसारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए रेटिना के आगे पीछे, ऑप्शन बी रेटिना के आगे आगे, ऑप्शन सी रेटिना पर एंड ऑप्शन डी अनंत पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेटिना पर। क्वेश्चन से एक उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर क्षमता +2 डायोप्टर है
तो आप इसका फोकस दूरी कैसे निकालोगे, 1/2 करोगे, ठीक है, और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये कट के आपका 50 सेंटीमीटर आएगा। ओके, क्वेश्चन से समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ऑप्शन ए एक और अनंत के बीच, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी एक एंड ऑप्शन डी अनंत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत होती है, ठीक है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो इन्फिनिटिव तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी नीला रंग एंड ऑप्शन डी बैगनी रंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी रंग, ठीक है। वीडियो यहीं तक रहेगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।